इंफ्रास्ट्रक्चर तो लगातार हम लोग कर रहे हैं, उसमें अभी देखिए 16,000 करोड़ का हमने पीडब्ल्यूडी में काम किया है, चाहे सड़क हो, पुल पुलिया हो, बिल्डिंग हो। अब जैसे हमारे 8 मेडिकल कॉलेज हैं, तो मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग बनेगा ही, तो उसे बताने की जरूरत नहीं। बहुत लंबा पोथा आप कर दें तो वो कोई पढ़ता नहीं है, इसलिए इसको 60 में रखे हैं। ये जो किसानों को, मजदूरों को, लघु उन पर संग्राहकों को, महिलाओं को, युवाओं को जो लाभ देना है उसी घर को इसमें किए हैं। बता तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप, अभी जैसे पूरे एशिया में सबसे बड़ा हमारा होलसेल कॉरिडोर हमने शिलान्यास किया है रायपुर में, और पहले भी हम लोग कह चुके हैं कि हर शहर में, हर जिले में इसका कॉरिडोर हम लोग बनाएंगे। तो उस बात को उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। अभी व्यापारियों की मीटिंग हुई थी राजनांदगांव में, तो हम लोगों ने इस बात को उल्लेख किया है, तो उसको बताने की जरूरत नहीं, वो काम करेंगे ही। संविदा कर्मी के लिए रमन सिंह जी हड़ताल में गए थे, समर्थन किए थे, अपने घोषणा पत्र में उसको शामिल नहीं किया, जबकि उसको शामिल करना था जब धरना में गए। और मैं तो ये कहता हूँ भारत सरकार, क्योंकि संविदा कर्मी में बहुत सारे NHM में सबसे ज़्यादा है, यदि भारत सरकार अपना हिस्सा 60% देने की तैयार है तो हम 40% हम देंगे, परमानेंट हो जाएगा। लेकिन भारत सरकार दे तो, क्योंकि 60% तो उसका है, योजना उसकी है, तो यदि वो सहमत है तो हम कर देंगे परमानेंट। वो तो कर ही रहे हैं दादा, उसमें बताने की क्या जरूरत। मैं क्या बोला कि जो ऑन गोइंग हमारे जितने भी प्रोग्राम हैं वो जारी रहेंगे, जैसे छत्तीसगढ़िया ओलंपिक, आदिवासी नृत्य महोत्सव, रामायण महोत्सव है ना, और जैसे मॉडल जैतखम बनाने के बाद, चाहे वो आदिवासियों के हमारे, चाहे देवगुड़ी, ठाकुर देव, पेनगुड़ी, मातागुड़ी, ये सब जो बन रहे हैं, वो सब काम तो निरंतर चलते ही रहेंगे। क्योंकि उनको काम करना आता नहीं, जनता के सुख दुख से उनको कोई लेना देना नहीं, वो अपने लिए सोचते हैं और अपने लिए, अपनी जीत के लिए वो कार्यक्रम बनाते हैं। तो सबसे अच्छा है कि आप धार्मिक भावना की बात करें, सांप्रदायिकता की बात करें, तो आधा ज़्यादा वोट मिल जाएगा, लेकिन कभी किसान के, मजदूर के, गरीब के, आदिवासी के, अनुसूचित जाति के, महिलाओं, युवाओं के लिए कोई कार्यक्रम है ये लोग न बता रहे हैं न ये करने वाले हैं। गैस सब्सिडी सबका होगा भाई, महिला उज्ज्वला के भी होगा, और सामान्य रूप से जो कनेक्शन लिए भारतीय जनता पार्टी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।